एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? अभी मैंने इतना हैवी सा कोट पहना हुआ है क्योंकि बाहर ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। दिल्ली में बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई है, आज सुबह से कोहरा हो रखा है और हम लोग तैयारी कर रहे हैं तन्नू जी के बेबी शावर की। उनको खुशी दी है अल्लाह पाक ने, सो इंशाल्लाह ताला से सब कुछ बेहतर, सब कुछ अच्छे से होगा, तो वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला से। अभी हम लोग जा रहे थे मार्केट, अलकनंदा मार्केट जा रही हूँ मैं, नेहा के साथ जा रही हूँ। वहाँ पर कुछ हमें डेकोरेशन का सामान लेना है, प्लस मुझे केक का भी ऑर्डर देना है। तो मैंने एक बहुत ही सुंदर सा ना केक निकाला है, सर्च करके आई होप कि बिल्कुल वैसा बन जाए, क्योंकि बहुत ही प्रीटी एंड बहुत ही अच्छा सा केक है वो। तो बस चलते हैं, अब वहाँ पर सबसे पहले जाएंगे डेकोरेशन की शॉप पर, देन जाएंगे हम लोग केक लेने। डेकोरेशन का सामान लेने बेबी शावर का, और अभी हम लोगों ने इट्स अ गर्ल नहीं बोल रही है, गर्ल होगी, अभी से हम लोग लड़ने लग गए हैं क्या होगा, गर्ल होगा या बॉय होगा। हम लोग सारा यहाँ पर सिल्वर फॉइल का, सिल्वर का नंबर 1 नंबर 2 रखा हमारा, देख हम ये भी सोच रहे हैं लेने के लिए, बट लेट्स सी क्या क्या लेते हैं अभी। और कुछ थीम भी सोच रहे हैं नेहा, क्या थीम सोच रही हो? ब्लू और पिंक, ब्लू एंड पिंक थीम। वैसे पिंक एंड व्हाइट सोचा था, तो पिंक हमने सोचा कि गर्ल्स का ही ना हो जाए, इसलिए पिंक एंड ब्लू दोनों। और तो ब्लू जो जो बॉयज देख रहे हैं ना वीडियो को, वो लोग कमेंट करना आपको ब्लू पसंद है। केक की शॉप पर जो कि है अलकनंदा में, एंड मेरी जिम्मेदारी है केक की और नेहा की जिम्मेदारी थी ये डेकोरेशन की। तो यहाँ पर हमने ऑर्डर दे दिया है पाइनएप्पल केक का, थोड़ा सा डेकोरेटिव बनवाया है, लेट्स सी कि कैसा बनता है। अब मैं आपको कल दिखाऊंगी और मैं साइड में फ़ोटो लगा दूंगी कि मैंने बोला कैसा है इन्हें और बना कैसा है, ठीक है? तो आप लोग बाद में देख लेंगे, कल देखा जाएगा, कल देखा जाएगा। नो डिस्काउंट, भैया ने हमें 1% डिस्काउंट नहीं दिया। गुड मॉर्निंग गाइस, तो आज है नेक्स्ट डे ऑफ दिस व्लॉग और आज हम जाने वाले हैं तनु जी के घर पे उनको सरप्राइज़ देने के लिए। सो मैंने सोचा, वैसे तो फेस अभी चमक रहा है बट स्टिल मुझे कुछ स्किन केयर करना है, पिंपल वगैरह आया हुआ है। मैं अभी एक वीडियो एडिट कर रही थी और उसको एडिट करके अभी जस्ट मैं उठी हूँ, उसको भी मुझे अपलोड करना है। एंड मेरे रूम में टोटली मेस है, तो मैं साथ के साथ अपना स्किन केयर करूँगी, इसके बाद में ये मेस को साफ़ करूँगी, देन मुझे कुछ लहंगे हैं उनका ट्राई ऑन भी करना है, बहुत सारे काम हैं। तो आज हम उसे सरप्राइज़ देने के लिए उसके घर पे जाने वाले हैं। सो, सबसे पहले कर लेते हैं स्किन केयर, उसके लिए मैं यूज़ करूँगी ये वाओ स्किन साइंस का एलोवेरा जेल, और ये 99% प्योर एलोवेरा है इसके अंदर। मतलब आप लोग जानते हैं वाओ इज़ एन इंडियन ब्रांड, सो हैशटैग ट्रूली मेड इन इंडिया, और इनके सभी प्रोडक्ट्स प्लांट बेस्ड होते हैं। मतलब ये तो है ही 99%, बट और भी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सभी प्लांट बेस्ड होते हैं, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बने होते हैं, नो पैराबेन, नो सिलिकन, नो सल्फेट और नो अदर कलर एडेड, और फ्री फ्रॉम एनी हार्श केमिकल्स गाइज। और ये जो मेरे पास प्रोडक्ट है वो है 250 ml का। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो इसका आप छोटा प्रोडक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, इसको आप, इसके बहुत सारे यूजेज़ हैं गाइज। तो इसको आप एज अ मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं, अपने बालों के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैंने कल ही लगाया था अपने बालों पर, काफ़ी सिल्की से हो गए मेरे बाल, सो देख सकते हैं आप। अभी मुझे रेडी भी होना है, इसको आप बहुत तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं, सो मैं भी आपकी इसको यूज़ करके दिखाती हूँ, और इससे हम स्क्रब भी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस स्किन केयर, करेंगे स्क्रब। तो उसके लिए मैंने ले लिया है एक बोल में 1 चम्मच तक का ये शुगर यानी कि चीनी के दाने, और इसमें हम ऐड करेंगे अपना मोस्ट फेवरेट वाव का एलोवेरा जेल, और इसको अब हम मिक्स करेंगे। तो ये केवल मैंने लिया होगा 1 tablespoon तक का, बट मुझे ये कम लग रहा है तो मैं इसमें थोड़ा सा और डालूंगी।
और ये हो गया है इसमें मिक्स। और अब दोनों हाथों पर लेकर बहुत ही हल्के हाथों से करना है आपको स्क्रब, वरना इसके दाने बहुत बड़े होते हैं, आपकी स्किन में लग सकते हैं। तो बहुत ही हल्के हाथों से। शुगर एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह आपके फेस पर काम करेगा और ग्लो लाएगा आपके फेस के ऊपर। तो अच्छे से हम इसको ना स्क्रब कर लेंगे। बिल्कुल अच्छे से मैंने 5 मिनट तक इसको स्क्रब किया है अपने फेस के ऊपर। और अब इसको नॉर्मल वाटर से हम वॉश कर लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा थिक और चिपचिपा सा फील हो रहा है मुझे अपने फेस पर। और इसको यूज़ करने के बाद जो स्किन है वो बहुत ही स्मूथ हो जाएगी गाइस। ये एंटी एजिंग प्रोटेक्टर भी है और इसको आप ऐसा मॉइस्चराइजर भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैंने अपना फेस वॉश किया है, इसके बाद में मैं थोड़ा सा ये वाओ का एलोवेरा जेल लूँगी और इसको अपने फुल फेस और हाथों पे अप्लाई कर लूँगी। ये क्योंकि एक मॉइस्चराइजर की तरह भी आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही स्मूथ, सॉफ्ट एंड सिल्की सा लग रहा है इसको लगाने के बाद। और इससे आप अपने क्रैक्ड हील्स भी ठीक कर सकते हैं, जैसे कि जिसकी एड़ियाँ वगैरह फटने लगती हैं तो आप वहाँ पर लगाएं और इसको ओवरनाइट रखें। और प्लस आप इसको अपने बालों पर भी अप्लाई कर सकते हैं, ये नरिश करेगा आपके बालों को, आपके स्कैल्प को बहुत ही अच्छे से। अगर डैंड्रफ वगैरह है मेरी तरह तो ये भी अच्छे से उसको हील करेगा गाइज। एंड ये प्रोडक्ट बॉयज आपके लिए भी है, तो इसको आप एज अ आफ्टर शेव जेल भी यूज़ कर सकते हैं। अपनी शेविंग वगैरह करने के बाद आप इसको अपने फुल फेस पे अप्लाई करके इसको एज अ जेल भी यूज़ कर सकते हैं। सो मल्टी यूजफुल है ये प्रोडक्ट। एंड अभी आपको नियरेस्ट स्टोर्स पे भी मिल जाएगा, आप इसकी ऐप पर जाकर नेविगेट करके सब कुछ देख सकते हैं। और ये ऑल स्किन टाइप्स एंड हेयर को सूट करेगा, तो डेफिनेटली आप इस प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। ये इसका बड़ा साइज है, ये इसका छोटा साइज है, तो दोनों ही साइज में अवेलेबल है। अगर आप पहले यूज़ करके देखना चाहते हैं कि ये वर्क करता है या नहीं, तो आप छोटा वाला भी इसका परचेजिंग कर सकते हैं। इसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और मुझे लगता है कि मेरी जो नोज पिन है वो कुछ ज़्यादा सूट नहीं कर रही है मुझे, इससे मैं थोड़ी सी ना मोटी और बड़ी बड़ी सी लग रही हूँ, तो मैं अपनी पुरानी वाली नोज पिन पहन लूँगी। बट मैंने बड़ी शौक में ये राउंड वाली ली थी, इससे कि थोड़ा सा लुक चेंज हो। आप लोग बताओ कि आप लोगों को कैसा लग रहा है ये। सो काफ़ी चमकने लग गए हैं मेरी स्किन। स्किन केयर करते रहना चाहिए हमेशा गाइज। अब मैं कर लेती हूँ अपने सारे साफ सफाई, उसके बाद में मुझे रेडी भी होना है, तो मिलती हूँ रेडी होने के बाद। हाय गाइज, सो आई थिंक कि ब्लू आईलाइनर ना मेरे ऊपर कुछ ज़्यादा ही सूट करता है, अच्छा लग रहा है थोड़ा सा। तो अभी मैं हो गई हूँ रेडी और अभी मुझे 3 लहंगों का पहनकर उसका शूट करना है, मतलब ट्राई ऑन करना है उनका। और हम लोगों ने सारा सामान ले लिया था, बट वो जो स्लैश होता है ना मॉम टू बी का, वो लेना भूल गए थे। और मेरे पास रखा हुआ था मेरे ही बर्थडे का ये बर्थडे गर्ल वाला स्लैश, तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है और इसको हम यूज़ कर लेंगे। सो अभी तो नहीं है मेरे पास मार्कर, क्योंकि मार्कर से हम इस पर लिखेंगे मॉम टू बी जिस अपोजिट साइड पर, तो ये हमारा रीयूज हो जाएगा। वैसे भी कोई काम का नहीं होता, बस एक दिन का होता है। सो या पैसे वसूल हो जाएंगे। तो अब हम रास्ते में से लेंगे स्केच पेन या फिर कोई परमानेंट मार्कर लेंगे, उसके बाद में इस पर लिखेंगे इस साइड की तरफ। सो काम तो चल जाएगा और अच्छा खासा लगेगा। काम क्या चल जाएगा, अच्छा खासा लगेगा। लगता जब भी मैं व्लॉगिंग स्टार्ट करती हूँ, जब भी व्लॉगिंग स्टार्ट करती हूँ, हम लोग आ गए हैं तन्नू जी के घर पे। तन्नू जी पहली बार लेके आए, जब इसको पहले के देखने आए थे ना,
सिलेक्शन हो रहा है ड्रेस का, क्या पहने तन्नू जी बताओ, गाइस गर्ल्स बताइए। सबसे ज्यादा बोल रही है ये लड़की, बोलने के लिए आई हूँ। हाँ नया बताओ, जब तक गाइस बताएंगे तब तक ड्रेस पहन भी चुकी हूँ, दोनों पहना के देखेंगे जो ज्यादा अच्छा लगेगा। So guys, आप यहाँ पर तन्नू होंगी रेडी और मुझे यहीं से जाना पड़ रहा है। हेलमेट की दिखाओगे क्या होगा? ये क्या है? हाँ आप करना थोड़ा क्या करोगी? नौटंकी इसके अंदर भूत आ गया है आज, वैसा कुछ नहीं बोलती है ये। सो यहीं से जा रही हूँ मैं केक लेने, जो कि हमने कल ऑर्डर दिया था, क्योंकि फर्स्टली केक का काम हो जाए उसके बाद में सब कुछ करेंगे। और अभी हम केक का वेट कर रहे हैं। हम लोग वापस से आ गए हैं घर पे और केक मैं ले आई हूँ और इधर चल रहा है मेकअप और दिखाती हूँ आपको, ये चल रहा है इधर मेकअप आर्टिस्ट, उधर देख लो यहाँ चल रहा है मेकअप और हाफ मेकअप हुआ है, अभी लिपस्टिक लगने बाकी है। ये लोग डेकोरेशन के लिए बैलून्स ब्लो कर रहे हैं, ये देखो। हाँ हाँ, ये किसका दिल है शगुफ्ता, किसका दिल है? और ये देखे सारे बलून्स यहाँ पर ब्लो करके रखे हुए, अब इसको हम सजाएंगे। बूमरैंग और यहाँ पे रेडी हो रही है मिया बीवी रेडी हो रहे हैं। मॉइस्चराइजर, ओह माय गॉड, तन्नू अपना चेहरा तो दिखा दीजिए। आह माशाल्लाह। डेकोरेशन हो गई है और इस पर मैं लिखने जा रही हूँ, कहाँ पे लिखें, इधर लिख लेते हैं ऐसे करके, है ना, यहाँ पर नो। सो अब मैं लिखने जा रही हूँ इस पर मॉम टू बी, और आधे से ज़्यादा डेकोरेशन हो चुकी है।
पहले बोलो फिर खाना। क्या खाना है? केक कट आपने देख ही लिया, बहुत मजा आया सबको। और अब हम लोग खाने जा रहे हैं खाना। मंडली बैठ चुकी है, हम सब रेडी हैं। बना क्या क्या है? ये सब बना हुआ है, दिखाइए। पनीर और रोटी, रोटी जो चावल बनाया है गुप्ता ने। लेट्स टेस्ट कि कैसा है। वैसे सब कुछ जो भी बनाते हैं ना, उम्दा अच्छा बनाते हैं। खाना पीना हम लोगों ने खा लिया है, विश हर गुड लक कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। अल्लाह ने कहा तो सब कुछ बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, और लाइट्स वगैरह हमने डिम कर दिया, मतलब बंद कर दिया, इसलिए थोड़ी सी क्लैरिटी भी कम हो गई है। और मैं भी इस ब्लॉग को यहीं पर एंड कर रही हूँ। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा देखकर, और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।